इमेजिन कीजिए कि आप एक रोड से जा रहे हैं और अचानक से रोड में दोनों तरफ से पानी भरना चालू हो जाए और देखते ही देखते रोड पूरी तरह से गायब हो जाए। कि क्या बात करते हैं यार? फ्रांस की वो अनोखी सड़क जो दिन में दो बार सिर्फ दो घंटे के लिए ही नजर आती है, बाकी समय टाइड के चलते ये सड़क पानी में डूबी रहती है। इसके चारों ओर पानी ही पानी होता है और कुछ नजर नहीं आता। यह सड़क फ्रांस की मेन लैंड को नोइर मोटियर आइलैंड से जोड़ती है। साल 1701 में पहली बार इस सड़क को मैप में दिखाया गया था। इस सड़क को पार करना बेहद खतरनाक है। दरअसल दिन में दो बार एक या दो घंटे तक सड़क साफ रहने के बाद अचानक दोनों किनारों से पानी का लेवल बढ़ने लगता है और इसकी गहराई 1.3 से 4 मीटर तक भी हो जाती है। इस सड़क पर हर साल कई लोग हादसे का शिकार होते हैं। किसी समय यहाँ सिर्फ बोट से ही लोगों का आना जाना होता था। इसके बाद पक्की सड़क बनाई गई। साल 1840 में यहाँ कारों और घोड़ों के जरिए लोगों ने आना जाना शुरू किया। साल 1986 के बाद से इस सड़क पर रेस भी की जाती है। साल 1999 में इस अनोखी सड़क का इस्तेमाल टूर डी फ्रांस के लिए भी किया गया था, जो कि फ्रांस की एक बाइसाइकिल रेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।